जुनूबी जंगलों में जानवरों की तस्करी आम बात थी और ज्यादातर तस्करी सेठ कुमार के कहने पर होती थी। कुमार ने कई सारे मुस्टंडे पाल रखे थे जो जानवरों को पकड़ा करते थे। इन्हीं में से एक थे कालिया और भीकू। ये दोनों सांप पकड़ने में माहिर थे। वो देखो, वो रहा काला वाला, पकड़ो उसे। पकड़ लिया। इन दोनों ने इतने सारे सांप पकड़े थे कि अब इन पर सांप के डसने का भी असर नहीं होता था। ये दोनों सांपों से खेला करते थे। ये देख, कितनी कोशिश कर रहा है आजाद होने की। भला हमारी गिरफ्त में आने के बाद ये कैसे आजाद होगा। जब भी भीकू और कालिया अपनी गठरी लेकर कुमार के पास पहुंचते हैं तो कुमार उन्हें हर सांप के 2,000 रुपए देता है। आज हमने 7 सांप पकड़े हैं। अरे वाह, बहुत खूब, ये लो तुम्हारे 14,000। अरे क्या सेठ, कभी तो दाम बढ़ा दो, हम भी खुश हो जाएंगे। जो मिल रहा है वही बहुत है, आजकल मांग भी कम हो गई है। गनीमत है कि हमारे पास पहले से ही ऑर्डर हैं। ठीक है साहब। एक दिन सेठ कुमार के पास एक गैर मुल्की शख्स आया। मुझे एक अलग किस्म का सांप चाहिए। मेरे पास हर किस्म के सांप है, ब्लैक मंबा, कोबरा, आप अपनी पसंद के सेलेक्ट कर लो जनाब। ये सब नहीं चाहिए। तो कौन सा सांप चाहिए? मुझे ऐसा सांप चाहिए जिसके सर पर मणि हो। क्या जनाब, ऐसे सांप थोड़ी ना होते हैं जिसके सर पर मणि हो। ये सब सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। सांप और मणि, ये सब तो अफसानों में ही होता है। होता है, मैंने खुद देखा है। आज से 10 साल कबल मैं इसी जंगल में अपने दोस्तों के साथ आया था जब हमारा सामना 2 सांपों से हुआ। एक सांप के सिर पर मणि थी। उस सांप ने हमें हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे आज भी वो सांप याद है, उसकी वो फुफकार। लेकिन ऐसे सांप को हम कैसे तलाशेंगे? वो जगह मुझे याद है, तुम अपने लोगों के साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा और फिर तुम लोग उस सांप को पकड़ लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस सांप को पकड़ने में हमारा क्या फायदा है? मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दूंगा। एक सांप के 10 लाख रुपए सुनते ही कुमार फौरन राजी हो गया। कुमार ने कालिया को फोन लगाया। एक बड़ा काम है, एक सांप है जिसके सर पर मणि है। इस सांप को अगर तुम दोनों ने पकड़ा तो तुम दोनों को 5 लाख रुपए दूंगा, समझे? 5 लाख। अगर ऐसा कोई सांप होगा तो हम पकड़ ही लेंगे। 5 लाख सुनकर कालिया और भीकू दोनों हैरान हो गए और उन्होंने कुमार से करार पक्का कर लिया। कुछ देर बाद कालिया और भीकू कुमार के अड्डे पर पहुंचे। फिर वो फिरंगी कुमार और उसके आदमियों को उस जंगल में ले गया। यही वो जगह है जहां मैंने उस सांप को देखा था। वो मणि वाला सांप था, उसके सर पर मणि थी। कालिया और भीकू, तुम दोनों समझ ही गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। हाँ सेठ, हमें अच्छी तरह से इल्म है। जनाब, आपको जल्दी ही आपका सांप मिल जाएगा, आप बस मेरे पैसे तैयार रखना। ठीक है, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मुझे वो सांप चाहिए बस। उस रोज से कालिया और भीकू दोनों उस मणि वाले सांप की तलाश में लग गए। तुझे क्या लगता है, ऐसा मणि वाला सांप होगा क्या? मालूम नहीं, मैंने फिल्मों में भी बहुत देखा है ऐसे सांपों को, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन अगर हम दोनों ने उस सांप को पकड़ा तो हम लोगों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। हमें जिंदगी भर काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो फिरंगी उस सांप के 10 लाख रुपए क्यों दे रहा है, लेकिन हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब है। वो फिरंगी उस सांप का कुछ भी करे, बस हमें पैसे दे दे। बेशक, हमें उस सांप की तलाश करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 5 लाख रुपए से हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, हम दोनों शादी करके सेट हो सकते हैं। हाँ हाँ, और मैं अपनी माला के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी बसर करूंगा। तू और तेरी माला, ठीक है, कर लेना शादी। अब पहले सांप को ढूंढ, सांप को, वरना माला से शादी सिर्फ ख्वाबों में ही होगी। हर रात कालिया और भीकू उस सांप की तलाश में सारा जंगल छान मारते हैं। काफी दिन गुजर गए, वो दोनों मायूस होने लगे थे। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि कोई ऐसा सांप है ही नहीं। देख,
आज आखिरी रात देखते हैं। आखिर 5 लाख रुपयों का सवाल है, वरना भाई को बोल देंगे कि ऐसा कोई सांप है ही नहीं। अब इतनी मशक्कत की है तो एक रात और सही। ठीक है। वो रात पूनम की रात थी और आसमान में चांद पूरा था। चांदनी की रोशनी में भीकू और कालिया सांप की तलाश कर रहे थे। जब वो लोग चलते चलते एक गुफा के करीब पहुंचे तो उन्हें भीतर से रोशनी नजर आई। यहाँ इतनी रोशनी कैसे है? शायद अंदर कोई है, शायद कोई शिकारी। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जंगल के इतने अंदर, वो भी गुफा में, कोई शिकारी नहीं आ सकता। तो फिर कौन होगा? इसका इल्म तो भीतर जाके ही होगा। जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो चौंक गए। वहाँ एक बड़ा सा सांप एक शिवलिंग के नजदीक बैठा था। उस सांप के सिर से रोशनी निकल रही थी। ये तो वही सांप है, मणि वाला। पकड़ उसे। इससे कबल की भीकू उस सांप को पकड़ता, उस सांप ने अपनी आंखें खोली और सांप ने भीकू को फुर्ती से जकड़ लिया। कालिया उसकी मदद करने जा ही रहा था कि आसपास से बहुत सारे सांप कालिया की जानिब बढ़ने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया गुफा से बाहर भागने लगा और सारे सांप कालिया का पीछा कर रहे थे। कालिया भागते भागते कुमार के पास पहुंचा। कुमार भी जंगल में ही था। वो सांप? क्या, तुझे वो सांप मिल गया? सांप ने भीकू को मार दिया। क्या? कालिया कुमार को पूरा वाकया बता ही रहा था कि कई सारे सांप उसकी जानिब बढ़ने लगे। पीछे देख, सांप! भाग कालिया, अपनी जान बचा। कुमार और कालिया दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे कि तभी एकाएक उन्हें वो गैर मुल्की शख्स मिला। वो अपनी जीप में सांप की तलाश कर रहा था। कुमार और कालिया दोनों उसकी जीप में कूद गए। यू टर्न ले लो जल्दी। क्यों? अरे तुम टर्न लो, वरना कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा तुम्हारी मणि के फिराक में। हम सब मारे जाएंगे। गैर मुल्की शख्स ने गाड़ी को पीछे घुमाया तो वहाँ मणि वाला सांप खड़ा था। उस सांप को देखकर तीनों खौफजदा हो गए। सांप की मणि चमकने लगी और उस मणि से ढेर सारे सांपों की बारिश होने लगी। सारे सांप जीप की जानिब बढ़ने लगे। ये सांप हमें नहीं बख्शेगा, हमने खुद अपनी मौत को दावत दे दी है। वो देखो, मेरा मणि, जाओ जाओ उस सांप को पकड़ो। अरे कम वक्त, वो मणि नहीं है, मौत है मौत। तुझे अपनी मौत नजर नहीं आ रही है क्या? I want that money. मैं 20 लाख दूंगा। नहीं चाहिए तेरे पैसे, यहाँ सामने मौत खड़ी है, मौत। तब तक सांपों ने जीप को चारों सिमत से घेर लिया था। मणि वाला सांप जीप पर कूद गया। वो कुंडली मारकर बैठ गया और एक एक करके मणि वाले सांप ने तीनों को डस लिया। तीनों के मरते ही सारे सांप उस मणि में जज्ब हो गए और मणि वाला सांप वापस अपनी गुफा में चला गया। हर वो शख्स जिसको मणि वाले सांप के मुतालिक इल्म होता है, उसकी मौत यकीनी है। मणि वाला सांप एक राज है और राज ही रहेगा।